जिस जिसने टार्जन मूवी देखी है उसको जरूर वो कार और अपने बचपन का प्यार आयशा टाकिया तो याद ही होगी। इसीलिए आज मैं भी चला आया हमारे दिलों की धड़कन आयशा जी के खुद के मुंबई के कोलाबा के रेस्टोरेंट कोयला में। आयशा टाकिया का करियर रीस्टार्ट करता सलमान भाई ने विद वांटेड। लगता है सलमान भाई का भी दिल बहुत बड़ा है। अब कोयला नाम से तो आपको लगेगा कि रेस्टोरेंट आयशा जी का नहीं बल्कि माधुरी जी का होना चाहिए, पर ना मुन्ना ना। अब आपको तो पता है कि भाई माधुरी जी तो हम जैसों का दिल तोड़ के डॉक्टर के साथ ब्याह गई, पर आयशा जी ने जिसे अपना जीवन साथी चुना था ना, वो भाई सब रेस्टोरेंट बिजनेस में महारत हासिल करे बैठे हैं। इसी करके उनके हबी फरहान हाजमी ने रेस्टोरेंट कोयला अपनी वाइफ को खुलवा के दे दिया है। आयशा जी के लिए इतना तो है यार। हाँ यार, आयशा जी का दिल इतना बड़ा है तो हम उनके लिए दो फ्लोर नहीं सकते क्या? नोटी हो रहा के बहन के। और जरा नजर तो मारो जनाब आप इसकी खूबसूरती पर। पांचवे फ्लोर के टेरेस पे स्थित ये रेस्टोरेंट आपको व्यू देता है गेटवे ऑफ इंडिया का। वो दिख रहा है क्या? ताज होटल। साथ ही साथ बड़ी सुंदर और शांत सी वाइब है इस जगह की। आई मीन जस्ट इमेजिन, तारों के नीचे रोमांटिक लाइट में बैठकर भला किसका दिल नहीं करेगा खाना खाने का। बस दुख की बात यह है कि आयशा जी की शादी हो गई है। आई एम सॉरी बाबू। अब इसका नाम सिर्फ यूं ही कोयला नहीं रख दिया गया है बल्कि इस नाम के पीछे का भी एक मतलब है। कोयला बेसिकली तंदूर पे चीजें पकाने में बहुत काम आता है, इसलिए इनके मेन्यू में भी मोस्टली तंदूरी आइटम्स थे जिसके लिए ये फेमस भी थे। तो हमने तो आज इनके मेन्यू से ऑर्डर कराया 625 रुपए का पनीर भरवा टिक्का। भरवा ये 460 रुपए का भरवा कुंभ टिक्का और ये 265 रुपए का मोहितो। अब देखो खा मैं और चीजें भी सकता था, पर भाई इतनी सी ही चीजों में मेरी तो यार बैंड बज गई थी। आई मीन तीन चीजें 1500 रुपए की थी यहाँ। आयशा जी अपने चाहने वालों को ऐसे मत लूटो यार। और पता है सबसे दुख की बात क्या थी कि इतने पैसे भरकर भी साला इस टूटी चेयर पर मुझे बैठना पड़ रहा था। मतलब वाह भाई वाह। चलो अब बिना देरी के आपको बताता हूँ कि भाई चीजों का टेस्ट आखिरकार कैसा था। बड़े पनीर दिखते बड़े साइज के, साइज अच्छा। तो सबसे पहले ट्राई करेगा ये मशरूम टिक्का जो मुझे टेस्ट में आहा भाई स्वाद लगे स्वाद। बढ़िया भाई साहब कदर यार, चीज और मशरूम का कॉम्बिनेशन तो बहुत टेस्टी लग रहा है ब्रो, मजा आ गया। मतलब 650 रुपए का आइटम भाई मजा पूरा दे रहा था। नाइस। दूसरा था ये पनीर टिक्का विच वाज एक्सेप्शनल। ओहो भाई शानदार। मतलब मेरे को लग रहा है जो इन्होंने कोयला जो तंदूरी वाला कॉन्सेप्ट इनका सुपीरियर है ना, वो चीज इनके टेस्ट में भी समझ में आ रही है। प्रीमियम क्वालिटी एंड अमेजिंग टेस्ट। मतलब ये जगह इतनी फेमस क्यों है अपनी तंदूरी डिशेस के लिए, ये आप इनको खाकर ही समझ जाओगे। कमाल फ्लेवरिंग, कमाल का चीज और कमाल का टेस्ट। मजा आ गया। मीनवाइल आप कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट आयशा टाकिया की मूवी भी जरूर बता देना। बस शिकायत अगर मेरी किसी चीज से रहेगी तो वो रहेगी इनकी क्वांटिटी से, जो प्राइस के हिसाब से काफी लिमिटेड थी। मतलब खुद देखो यार, 5 टुकड़े पनीर के 600 रुपए। कोई सेंस है इस बात का? हां, आखिरी बची थी ये ड्रिंक एंड दिस वाज आल्सो ओके। आयशा टाकिया को भी सलमान भाई सलमान भाई ने लॉन्च किया था ना? नहीं नहीं, पर आयशा टाकिया का करियर रीस्टार्ट करता सलमान भाई ने विद वांटेड। लगता है सलमान भाई का भी दिल बहुत बड़ा है। गुड नाइट गाइस। तो देखो आज मैं कहना चाहूंगा कि आयशा जी के इस रेस्टोरेंट ने हमें उतना ही मजा दिया जितना उनकी पिक्चर टार्जन ने दिया था। मतलब किस किस की फेवरेट थी वो मूवी कमेंट सेक्शन में बताना। हम मिलेंगे आपसे कल। गुड नाइट, शबा खैर।